इब्रानियों के नाम पत्री पांचवां अध्याय। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है, और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मल्कीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं, जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेन्द्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं।